हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनून क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, महारानी कॉलेज जयपुर की जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट है वो आ चुकी है। आज ही महारानी कॉलेज की तीसरी वरीयता सूची जारी हो चुकी है, उस पर मैंने वीडियो भी बना दी है। जिन स्टूडेंटों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। साथ ही उसमें कुछ कोर्सेज की जो है कट ऑफ लिस्ट नहीं दी गई थी, बीए पास कोर्स की कट ऑफ उसमें नहीं थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर बीए पास कोर्स की जो कट ऑफ थी उसमें नहीं है मेंशन, क्योंकि उस टाइम पे डाली नहीं गई थी आरयू की जो वेबसाइट है उस पर, अब डाल दी गई है। तो मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बताऊंगा बीए पास कोर्स की। बीए पास कोर्स की कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिससे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ये कट ऑफ बताने से पहले, कि महारानी कॉलेज की जो तीसरी वरीयता सूची आई है, जो कट ऑफ लिस्ट आई है, उसमें 10% आपकी जो इंक्रीज सीट हुई है ना, उनको इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। जो 10% बढ़ाकर जो है कट ऑफ लिस्ट आपकी आउट हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पास कोर्स की, बीए पास कोर्स की कट ऑफ क्या रही है। आरबीएससी सीबीएसई दोनों बोर्डों से अलग अलग तरीके से मैं बताने वाला हूँ। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 93.60% आपकी जनरल कैटेगरी की आरबीएससी बोर्ड से आपकी कट ऑफ रही है। वहीं अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो 93.60 सेम ही यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पर कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की बीए पास कोर्स की। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, तो 92% आपकी जो है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई है आरबीएससी बोर्ड से, और 92% ही आपकी जो गई है वो गई है सीबीएसई बोर्ड से। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, कि एससी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है आपकी थर्ड महारानी कॉलेज से, तो 86% आरबीएससी बोर्ड से रही है, और सीबीएसई बोर्ड से जो रही है वो रही है 88.60% आपकी यहाँ पर एससी कैटेगरी की कट ऑफ रही है। एसटी की बात करूँ तो 89.60% आपकी कट ऑफ रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ सीबीएसई बोर्ड की, तो 90.20% आपकी यहाँ पर कट ऑफ रही है। लास्ट में अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आरबीएससी बोर्ड की 82% और सीबीएसई बोर्ड की 83% आपकी यहाँ पर कट ऑफ रही है। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है, ये बताइए बीए पास कोर्स थर्ड कट ऑफ लिस्ट इंक्लूडिंग 10% इंक्रीज सीट। साथ ही यहाँ पर जो है एमबीसी कैटेगरी की और कट ऑफ है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट में एमबीसी कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो सिर्फ एक ही बोर्ड की वहाँ पर स्टूडेंट थे आरबीएससी बोर्ड से। तो आरबीएससी बोर्ड की यहाँ पर बात करूँ, जो एमबीसी कैटेगरी से जो कट ऑफ आपकी रही है, वो कट ऑफ आपकी रही है 84.40% आपकी कट ऑफ यहाँ पर रही है। अब मैं बताऊंगा बीसीए कोर्सेज की कट ऑफ। बीसीए कोर्स की जो कट ऑफ है आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है आरबीएससी बोर्ड से, वो रही है 78%। वहीं अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो 78.40% आपकी यहां पर कट ऑफ रही है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो 66.40% आपकी कट ऑफ रही है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, तो 66. यहाँ पर जो है 20% आपकी कट ऑफ रही है। इन कैटेगरी के अंदर जो है सीट नहीं थी बीसीए के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ बताई बीसीए और बीए पास कोर्स, जो उस वीडियो के अंदर नहीं थी जो मैंने पहले अपलोड किया है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, जिनको बीए पास कोर्स की कट ऑफ जाननी है। साथ ही इस वरीयता सूची में जिन भी छात्राओं का नंबर आया है सभी कोर्स के अंदर, वो अपनी फीस जमा करा सकती हैं। ऑनलाइन फीस जमा हो रही है, 6 अक्टूबर तक फीस जमा करानी है। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाए थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली आपके कब होंगे, उसके कोई नोटिस नहीं आया उसके रिगार्डिंग। जैसे कोई नोटिस आता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होंगे, या आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग कब होगी, उसको मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।